क्या सिर्फ सियासी परिवार में पैदा होना इस बात की गारंटी देता है कि कोई शख्स जनता के दिलों में जगह बना लेगा? नहीं ना, तो फिर वो क्या वजह होती है जो किसी शख्स को सियासी मैदान में सिकंदर बना दे? वो क्या वजह होती है जब आम जनता उसे अपना हमदर्द समझने लगती है? और वो क्या वजह होती है जब कोई युवा बेहद कम समय में ही सियासत के अहम मुकाम तक पहुंच जाता है? आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे ही युवा राजनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देश के सबसे युवा कृषि मंत्रियों में से एक हैं और जिसने अपनी काबिलियत के बूते पर न केवल अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी विनम्रता और लगन से अपनी एक अलग पहचान भी बना ली है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय सुभाष यादव जी के पुत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी के छोटे भाई और मध्य प्रदेश के युवा कृषि मंत्री सचिन सुभाष यादव के। मैं सचिन सुभाष यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बोरावा खरगोन जिले का एक छोटा सा गांव जहां 10 जनवरी 1982 को सचिन यादव का जन्म हुआ। सचिन यादव के पिता स्वर्गीय श्री सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सचिन यादव के बड़े भाई अरुण यादव जी भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। सचिन यादव 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बचपन को यादों में आपको ले जाना चाहूंगा। ये गांव आपका जो है, इससे जुड़ी यादों के बारे में बताइए। बचपन में क्या मस्ती करते थे, कैसे खेलते थे, क्या शरारतें करते थे आप? नहीं, देखिए, बचपन में जो हमारी मित्र मंडली थी यहाँ पर, काफी शरारतें हम लोग करते रहते थे। जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी या तो क्रिकेट खेलते थे या फिर कुछ ना कुछ उधम मस्ती जो है हमारी सबकी जारी रहती थी। कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी हमारे बचपन के साथी हैं और उनको गांव में जो गोदड़े गम्मत होना, इनमें बहुत वो रुचि लेते थे और नदी पे नहाना। और हमारी पुरानी क्रिकेट टीम थी हमारी बचपन की, निमाड़ क्लब क्रिकेट टीम से हमारी टीम जानी जाती थी और क्रिकेट में भी बहुत शौक रखते थे। कोई बात का उनको घमंड नहीं था, साथ में रहना छोटे बड़े उनको कहीं इनका घमंड नहीं था। जैसे ही घर आए उनका जो भी सामान वामान पटका, सीधा हमारा यहाँ से थोड़ी दूर पे हमारा घर है वहाँ पे आते थे, धर्मपुरी में बैठ के गप्पे मारते थे। रात के 12 बजे तक बैठे रहते थे, अलाव लगा के बातें होती रहती थी। एक पूरा गांव जो है एक परिवार की तरह था। कहीं पर भी कैसे भी आप चले जाओ, पूछ जाओ, कहीं भी खाना खा लो, पूरा गाँव जो है एक मुझे अपने बेटे के रूप में मानता था। और वैसा ही व्यवहार हम लोगों का भी पूरे परिवार का गांव के प्रति रहता था, तो बड़ा स्नेह और बड़ा लाड़ जो है पूरे गांव की तरफ से मिलता था। सचिन भी अब अरुण भैया के साथ में वो मस्ती की वो यादें, जब दोनों भाइयों साथ में मस्ती करते थे। और कभी पिताजी से भी डांट पड़ी हो आप लोगों को? हाँ, कई बार पिताजी की तरफ से तो कम, लेकिन हमारी माता जी की तरफ से हमको कई ऐसे अवसर हैं जहाँ पर उनकी डांट हमको सुननी पड़ती थी। अच्छा, एक तो आपके फादर सुभाष जी, ऊपर से आपके भाई अरुण भैया, तो कि गैंग टाइप की बन जाती थी। दोनों भाई साथ में हो तो मिलकर भी मस्ती होती थी, तो कुछ अरुण भैया के साथ कुछ ऐसी आपकी यादें हो बचपन की? नहीं, देखिए, चूँकि बड़े भैया हमारे उम्र में हमारे मेरे से कर लगभग 8 साल बड़े हैं, तो मैं हमेशा उनको एक बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से और बड़े आदर से जो है हमेशा उनको देखता हूँ। जब नर्सरी में था तब मैं यहाँ से गाँव से चला गया था इंदौर। उसके बाद सेकंड क्लास में मैं डेली कॉलेज में चला गया और सेकंड से लेकर के 12th तक मैंने अपनी डेली कॉलेज में हमने पढ़ाई करी। जब भी छुट्टियों में यहाँ पर आते थे, क्योंकि बड़े भैया भी डेली कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, तो हमारी छुट्टियाँ जो हैं लगभग साथ में ही होती थी। जब गाँव में आते थे तो गाँव की जो पूरी मस्ती होती है, खेत में जाना, बैलगाड़ी चलाना, यहाँ पर दोस्तों के साथ में नदी पर जा कर के तैराकी करना, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा खेलों के साधन नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए हम लोग जो साइकिल होती थी उस साइकिल के जो टायर निकल जाते थे, ख़राब हो जाते थे, वो साइकिलों के टायर लेकर के हम लोग रोड पे निकल जाते थे, किलोमीटरों तक हम लोग चले जाते थे। गांव में उस टाइम पे एक हमारे यहाँ गांव में एक खेल होता था, गोबर लाखड़ी जिसको हम लोग निमाड़ी में हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग खेलते थे। गिल्ली डंडा हम लोग खेलते थे, जो है लट्टू जिसको हम लोग निमाड़ी में भवरी बोलते हैं,
वो हम लोग चलाते थे। तो इस प्रकार के जो खेल होते थे उन खेलों में हम लोग हिस्सा लेते थे। बड़े भाई के साथ भी जो है काफ़ी ऐसे क्षण और मस्ती भरे पल भी जो है बिताते थे। आप डेली कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो आपने क्यों सोचा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, और वो कौन सा लम्हा था जिसने कहा कि नहीं सचिन यादव भी अपनी पॉलिटिकल जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, चूँकि आप जब किसी राजनीतिक परिवार से आते हो तो जिस परिवेश में और जिस माहौल में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं आप का एक इंक्लिनेशन जो है, एक झुकाव उस प्रोफेशन की तरफ हो जाता है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो और जब छुट्टियों में हम लोग स्कूल से आते थे, बोर्डिंग से आते थे, तो दिन भर लगातार जो है जिस प्रकार हम पिताजी को देखते थे कि सुबह से लेकर के शाम तक वो लोगों की समस्या सुनते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करते थे, गरीबों के आंसू पोंछने का काम करते थे, उनकी मदद करने का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव जो है हमको उनके कार्यों के माध्यम से हमको देखने को मिलता था। तो एक झुकाव तो रहा शुरू से, पर राजनीति में आएंगे ऐसा कभी कोई सोच करके, कोई प्लानिंग करके नहीं हुआ। ये सारा जो है जब मैंने अपनी कॉलेज ख़त्म किया, अपनी पढ़ाई ख़त्म करी और जब यहाँ पर क्षेत्र में आया तो जो खेती बाड़ी देखना शुरू करी, धीरे से फिर थोड़े व्यवसाय में हम लोग गए, उनको देखना हमने शुरू किया। पिताजी ने फिर जो यहाँ पर शिक्षा के जो केंद्र खोले उनमें थोड़ा थोड़ा सा जो है इन्वॉल्वमेंट होने लगा। धीरे धीरे उस माहौल में हम लोग आने लगे, क्षेत्र में भी धीरे धीरे हम लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में जाना, शादी हो, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, कोई गमी हो जाए, वहाँ पर जाना, तो धीरे धीरे जो है उस माहौल में, उस परिवेश में हम लोग आने लगे। और जब 2013 के विधानसभा के पूर्व पार्टी ने अवसर प्रदान किया, क्षेत्र की जनता ने जिता करके मुझे भेजा, जब मैं दोबारा 2018 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग गए तो दोबारा जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग से मुझे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे युवा कृषि मंत्री होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बचपन से ही सचिन यादव को क्रिकेट का जुनून रहा। मंत्री बनने के बाद भी जब भी समय मिलता बल्ले पर हाथ आजमाए बिना नहीं रहते। सचिन, वे पूरे दिन हम आपके साथ में रहे और काफी खेले कूदे भी। एक बार की तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्रिकेटर जरूर होते। निश्चित रूप से, देखिए मैं बचपन से ही मेरा लगाव क्रिकेट की तरफ रहा है, और चाहे मैं जूनियर स्कूल की बात करूं तो हम लोग, हमारी जो जूनियर स्कूल की टीम होती थी उस टीम का मैं कैप्टन हुआ करता था। जब हम लोग सीनियर स्कूल में पहुंचे तो लगातार हम लोग क्रिकेट खेलते रहे, और सीनियर स्कूल में भी हम लोग, मैं अपनी टीम का जो है नेतृत्व करता था। और एक हमेशा से, क्योंकि हम लोग बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं और बोर्डिंग स्कूल में हम लोग का झुकाव जो है स्पोर्ट्स की तरह रहता था। हम लोग स्कूल में 5 बजे हम लोग सुबह उठते थे और स्कूल में उठ करके फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग कॉलेज टीम में हुआ करते थे, कहीं ना कहीं आप ठीक कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक जीवन में नहीं आते, सार्वजनिक जीवन में नहीं आते तो अपने निश्चित रूप से क्रिकेट में जरूर जो है अपना भाग्य आजमाने का कोशिश प्रयास जरूर करते हैं। सचिन भैया, वो कौन सा ऐसा मैच है जो आपके जहन में है जिसे जीत कर सबसे ज़्यादा खुशी आपको हुई थी, आपको लगा था कि नहीं भाई ये मैच जीत कर हमने कुछ अचीव किया है? मुझे याद है हम लोग स्कूल में, हमारा एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ करता था और सामने वाली टीम ने एक बड़ा विशाल स्कोर जो है खड़ा किया था, और हमारे ड्रेसिंग रूम में ये चर्चाएँ हो रही थी कि बहुत मुश्किल टारगेट है, और मैं और मेरा जो ओपनर हमारे हुआ करते थे, मेरे बैचमेट तन्नुकरण, हम लोगों ने उसकी शुरुआत करी हम लोगों ने, और धीरे धीरे हम लोगों ने जो है रन्स बटोरना चालू किए, फिर जब सेट हो गए तो फिर बाउंड्रीज़ की तरफ हम लोग बढ़े, और बड़ा मतलब क्लोज जो है वो फाइट थी, और हम लोग उस मैच में हम लोग जीते, और वो मैच निश्चित रूप से जो है मुझे हमेशा अपने जीवन में याद रहेगा। अच्छा भैया, आप एक यंगस्टर हैं और मूवीज़ देखना तो आपको पसंद होगा ही, आपकी फेवरेट
फिल्म या कहा जाए कि फेवरेट एक्टर कौन है, और वो कौन सा ऐसा एक्टर है जिस जो आपको इंस्पायर भी बहुत करता है, जिसे कहने के आप कनेक्टिविटी ज़्यादा महसूस करते हैं? मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन हैं और उन अच्छा आप नहीं भी बताते तो मैं बोलता आपकी हाइट अमिताभ बच्चन जैसी है, और आपको अक्सर लोग बोलते होंगे भाई इतने लंबे हो अमिताभ बच्चन जैसे हो। एक वर्सेटाइल एक्टर थे वो। और तो उनकी कोई फेवरेट मूवी जो आपको बहुत पसंद आती? बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज जिनको आप कितनी भी बार देख लो आप का जो है मन नहीं भरता है। उदाहरण के तौर पर शोले जी। शोले पिक्चर आप कितनी भी बार देख लें, आप सत्य पे सत्ता आप देख लीजिए, तो ऐसी कई कई पिक्चरें हैं। और अगर 90s की बात करें तो मैं समझता हूँ 90s में आमिर खान की और सलमान खान की एक मूवी आई थी अंदाज़ अपना, वो बड़ी मुझे बहुत ही कॉमेडी, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी थी और मुझे बहुत पसंद है। और उसके मतलब इतनी बार वो पिक्चर हम लोगों ने मैंने देखी, लगभग उसके बहुत सारे जो डायलॉग भी इतने पॉपुलर हुए हैं जी। और वो काफ़ी सारे डायलॉग जो है याद भी होते हैं, और कभी कभार जब मेरा नाम है मिस्टर गोगो तो जब फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं तो उन डायलॉग्स को कभी कभार हम लोग यूज भी करते हैं, तो काफ़ी जो है लगाव मूवीज से रहता है। सचिन यादव अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहते हैं, यही नहीं सचिन को घुड़सवारी का भी बेहद शौक है। उनके इस अंदाज को देखकर तो कोई भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो सकता है। सचिन यादव अपने घोड़ों की बखूबी देखभाल भी करते हैं। एक शब्द मुझे आपके पूरे साथ में रहने के दौरान आ रहा है याद, उसे कहते हैं काउबॉय। काउबॉय की अगर आपको मूवीज याद आ रही हो तो वो घुड़सवारी करते थे, और बाकायदा उनकी हाइट भी आप ही की जैसी रहती थी, लंबे और बड़ा शानदार सा वो कैप लगाते थे। ये घुड़सवारी कब आपने सीख ली, और हमें लगता था कि शौकिया घुड़सवारी आप करते होंगे, कुछ लोग जाते हैं थोड़ा सा चल लिए, लेकिन आप तो बाकायदा खुद ही जो है घोड़े को तैयार भी करते हैं और वो आपको पहचानते भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लोग आते थे छुट्टियों में आते थे, हम लोग की ड्यूटी लगती थी कि आज सचिन जो है खेत में जाकर के मजदूरों की रोटी दे के आएगा, एक दिन फिर किसी और हमारे जो भाई है उसकी ड्यूटी लगती थी। जब हम लोग खेत में रोटी देने के लिए जाते थे तो हम लोग को घोड़े पे हम लोग बैठ करके जाते थे। निश्चित रूप से उस समय इतने अच्छे से हम लोग को घुड़सवारी नहीं आती थी, लेकिन हम लोग को बैठना हम लोग को उस समय आना हमने शुरू कर दिया था। साथ में हमारा एक जो है साथ में एक व्यक्ति हमारे साथ में जाता था जो कि ये इस चीज़ का ध्यान रखता था कि कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं आए। तो एक आदत जो है शुरू से हम लोग की बनी, और मुझे बचपन से ही जो है हमेशा जानवर से बड़ा प्यार रहा है, चाहे हमारे डॉग्स हों, चाहे हमारी गौ माता हो, चाहे फिर हमारे घोड़े हों, तो एक वो लगाव जो है शुरू से रहा है और आज भी जो है वो जुड़ाव मेरा अभी भी बना हुआ है। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो शादी हुई है वो अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, और इट बाय योर चॉइस और इट वर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय योर पेरेंट्स? देखिए मेरी शादी इट वाज अरेंज मैरिज, और जो है माता जी पिताजी ने मेरी बहन ने जो है ये रिश्ता जो है करवाया था। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि पहली और आखिरी लड़की जिसे देखा, जिसे पसंद किया, वो मेरी आज मेरी अर्धांगिनी है, मेरी धर्मपत्नी है। आप उनसे कब निवाड़ी में बात करते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं? मैं चूँकि वो दिल्ली से हैं, लेकिन एक उनकी बड़ी अच्छी बात मुझे काफ़ी पसंद है, दिल्ली से रहने के बावजूद भी जो है वहाँ पर गाँव में आकर के वो रहीं, धीरे धीरे जो है उन्होंने यहाँ की जितनी भी जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो बोली है, भाषा है, उसको भी पूरी तरीके से तो नहीं बट काफ़ी हद तक जो है उसको समझती हैं और उसको बोलने का प्रयास भी करती हैं। सचिन भैया आपके दो सुपुत्र हैं और ट्विंस हैं, किस तरह का उनका नेचर है, और अरुण भैया और सचिन भैया की तरह आपके ट्विंस जो हैं उनका व्यवहार कैसा है? देखिए निश्चित रूप से जो है आज जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है तो कहीं ना कहीं एक समय का अभाव तो रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिता सकूँ।
और मेरे दो जुड़वा बेटे हैं रणबीर और उदयवीर, दोनों ही स्वभाव में एक दूसरे से विपरीत हैं। एक काफ़ी शांत और धैर्य जिसको अपन कह सकते हैं, और दूसरा जो है उदय काफ़ी चंचल और काफ़ी मैं समझता हूँ पीपल फ्रेंडली है। तो दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर है। घर में सबसे छोटा होने की वजह से सचिन अपनी माँ के बेहद लाडले भी हैं। हालांकि खाने को लेकर उनकी कोई खास पसंद या नापसंद भी नहीं है, वो अपनी माँ के हाथ का खाना खूब चाव से खाते हैं। भैया तो पराठे पसंद है कि रोटी? भैया को पराठे पसंद है, रोटी पसंद है दोनों चीज़। सचिन को अपने परिवार से लगाव है, अपनी माँ से लगाव है, अपनी बहनों से लगाव है। सबसे वो ध्यान रखता है, पूछता है, सबका ध्यान रखता है। त्यौहार पे भी सबको इकट्ठे करते हैं, ये सब पूरे हमारे भांजे नंदे हैं, सबको बुलाते हैं, सबको अपने पास बिठाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। हमारे बारे में भी सोचते हैं कि हमारी माँ अकेली बैठी है ये, और पापा को बहुत फील करते रहते हैं वो कि पापा होते ऐसा होता, पापा रहते तो हम और आगे बढ़ते। ऐसे पापा को बहुत याद करता रहता है सचिन। सचिन में ये बहुत ज़्यादा ये है कि अपने परिवार को लेके चलता है, सबको साथ लेके चलता है, सबको काम देता है, सबका काम देखता भी है। बड़े भैया से भी कोई काम बिना पूछे करता नहीं है। बुरावा गांव के यादव परिवार के पुश्तैनी घर को ही अगर गौशाला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस घर में गौ सेवा की बरसों पुरानी परंपरा रही है। सचिन यादव भी अपनी इस परंपरा का पालन करने में गर्व महसूस करते हैं। ये पीढ़ियों से हम लोग गौ माता की सेवा करते आ रहे हैं जी, और आज भी हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरी गौशाला भी है? हाँ, ये सब हमारी गौशाला है। और इसके अलावा विशेषता हमारी इस गौशाला की है कि गौ माता का दूध नहीं निकाला। अच्छा, दूध हम इस दूध को जो हमारी गौ माता के जो बछड़े होते हैं तो वो उन्हीं के सेवन के लिए किया जाता है। और साथ ही अगर गांव में कोई किसान साथी अगर उनकी सेवा नहीं कर पाते किसी आर्थिक कमजोरी के कारण, तो वो भी हमारे यहाँ पर आकर उनको गौ माता को छोड़ देता है, जिसकी सेवा। अपने स्वर्गीय पिता और बड़े भाई की तरह सचिन यादव भी आम लोगों को पूरा समय देते हैं और उनकी समस्या दूर करने की हर संभव कोशिश भी करते हैं। सचिन के जीवन में उनके पिता स्वर्गीय सुभाष यादव की छाप साफ देखी जा सकती है। सचिन भी आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे, स्वर्गीय सुभाष जी के बारे में, उनके जिंदगी से जुड़े वो पहलू जो आप याद करते हैं अक्सर, आपको जब उनकी याद आती है तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको इंस्पायर भी करती हूँ? मैंने उनके मन में जो जीवंतता देखी है और जो उनके जीवन के जो पहलू हैं, जिस प्रकार से क्योंकि स्वयं एक किसान परिवार से थे और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से पूरी खेती करी है, मुझे पिताजी के साथी और माताजी और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बताते हैं कि उन्होंने स्वयं जो है खेतों में अपने कुएं खोदे, जो सांग जिसको बोलते हैं उस सांगों से जो है कुओं को खोदने का काम किया। एक वाक्य जो है माता जी बताती अक्सर बताती हैं कि पढ़ाई जब ख़त्म हुई उनकी तो उन्होंने इंदौर से एग्रीकल्चर कॉलेज से उन्होंने बीएससी करी, और जब बीएससी पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब वो गाँव में आए तो उस समय नए नए ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने और उनके एक साथी थे गबरूलाल जी, उनका नाम था, मेरे रिलेशन में भी वो लगते हैं, तो उनके साथ में मिलकर के मेरे जब दादा से उन्होंने कहा कि मुझे ट्रैक्टर ख़रीदना है तो मेरे दादा ने उनको सख्त मना कर दिया क्योंकि वो ब्याज से बहुत डरते थे। आप जानते हैं कि पुराने लोग जो हैं काफ़ी बैंकों से और ब्याजों से ऋण से बड़ा कतराते थे, लेकिन उन्होंने फिर उन्हें किसी प्रकार से मनाया तो दादाजी ने कहा कि मैं एक पैसा जो है तुमको मेरे घर से नहीं दूंगा, तुमको अगर लेना है
तो ट्रैक्टर का ऋण भी तुमको चुकाना है। और मेरे ख्याल से उस समय मेरे ख्याल से 3-4 साल के लिए जो है ऋण मिलता था। तो उन्होंने दिन में जो है, जो कि उस समय शायद वो सार्वजनिक जीवन में आ चुके थे, तो दिन में जो उनके दोस्त हैं, उनके जो भाई थे, दिन में वो ट्रैक्टर चलाते थे और रात को जो है जब कोई देखता नहीं था तो रात को वो ट्रैक्टर चलाते थे। और जो ऋण 3-4 साल में जिसकी अदायगी करनी थी उसको उन दोनों ने मिल करके जो है 1 साल में उस ऋण की अदायगी करने का काम किया। तो ये एक उनके मन में एक जुनून था कि मैं मेरे जो मेरा किसान है, मेरे किसान के लिए मुझे चूँकि अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता हूँ। और जब वो प्रथम बार जब यहाँ से सांसद बन करके चुन करके गए और जब इंदिरा जी ने उन्हें बुलाया, आपकी क्या प्राथमिकता है, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मेरा जो निमाड़ है वहाँ पर सिंचाई के साधनों का बड़ा अभाव है, पूरा हमारा जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ कर जो किसान है वो किसान बड़ा मेहनती था लेकिन पानी के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाता था। तो उनसे उन्होंने चर्चा करी और जब किसी कारण से उस योजना में कुछ रुकावटें आ रही थी तब उन्होंने ज़िद करके उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने किसानों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकता हूं तो फिर मेरा जो उन्होंने मुझसे उम्मीद रखी है, मुझे यहाँ पर दिल्ली की पंचायत में भी चुन करके भेजा है, तो मेरा चुन के आना सार्थक नहीं होगा। तब इंदिरा जी ने उनकी बात मानी और जो इंदिरा सागर परियोजना है उसकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान करी। स्वयं वो आई थी और उन्होंने उसकी आधारशिला रखी। तो वो कहानी वहाँ से शुरू हुई और बड़ा लंबा समय जो है लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस पूरे क्षेत्र के, पूरे निमाड़ के लोगों को जिन्होंने उनके हर संकट में उनके साथ में खड़े रहे, उन पर विश्वास व्यक्त किया और उनकी हर बात को जो है उन्होंने मानी और लगातार जो है उनको सहयोग प्रदान करते, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे। कुछ नहीं था बोरा के अंदर, सारी व्यवस्था उन्होंने लगवाई, न तो रोड था, न दवाखाना था, न स्कूल थी, कुछ नहीं था, सारा काम उन्होंने किया। उसके बावजूद वो सबसे बड़ा काम कौन सा किया, पुनासला बांध का, वो लाए, सब किसानों को जिंदा किया। नहर आने के बाद, पानी होने के बाद, मतलब गर्मी का कपार लगने लगा, फसल भी अच्छी आने लगी और गेहूं की फसल भी बोने के बाद गेहूं भी अच्छे खासे निकल रहे हैं। बहुत काम किया उन्होंने, पानी भी लाया और यहाँ कॉलेज भी बना रही और शक्कर मिल भी बना रही। सचिन भैया उसी प्रकार का काम कर रहे हैं, मालिक इनकी रक्षा करे और इनको हमेशा के लिए नाम उन्होंने उनका अमर कर दिया। मध्य प्रदेश में 15 सालों के बड़े वनवास के बाद कांग्रेस किसान कर्ज माफी के बड़े वायदे के साथ सत्ता में आई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कृषि विभाग के लिए एक ऐसे नौजवान को चुना जो कि न केवल बचपन से किसानों के साथ जुड़ा है बल्कि खुद खेती बाड़ी भी करता आया है। फिर चाहे बात बैलगाड़ी चलाने की हो या फिर ट्रैक्टर से खेत जोतने की, सचिन यादव अपने खेतों में बरसों से काम करते आए हैं, लिहाजा वे किसानों की समस्या और उनकी जरूरतों से बखूबी वाकिफ हैं। सचिन भैया, 15 साल बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी होती है और एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग जैसा बड़ा पोर्टफोलियो, क्या आपने सोचा था कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो आपको मिलेगा? कितना बड़ा चैलेंज था और कैसे आपने इसको एक बड़ी चुनौती के तौर पर लिया, कैसे इसको डील किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय कमलनाथ जी को, उनको मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नौजवान को एक इतने बड़े महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी देने का काम जो किया है और एक विश्वास जो है एक युवा नेतृत्व पर जो है उन्होंने व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से जो जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि आज मेरा ये जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को चलाने में मुझे सहयोग प्रदान कर रहा है। हमारी सरकार ने 14,000 से अधिक किसानों का 82 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम आदमी का हमारी सरकार जो एक सोच जो किसानों के प्रति
बचपन से जो है हमने निर्मित करी है। किसानों के दुख तकलीफ को सिर्फ देखा नहीं है, उनको हमने बहुत करीब से अनुभव करने का काम किया है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आज हम उस स्थिति में हैं जहाँ पर हम बैठ करके हमारे किसानों के हित में निर्णय और फैसले ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो किसान ऋण के कारण जो है ब्याज के कारण जिनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था, उनको हमने विषम परिस्थितियां होने के बावजूद हमने उनको ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम किया। उनकी जो लागत मूल्य थी उस लागत मूल्य को कम करने के लिए हमारी सरकार ने बिजली के बिल को अदा करने का काम किया। तो ऐसे तमाम निर्णय और फैसले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लिए हैं। और जो है हम लोग मेरा ये कोशिश मेरे प्रयास रहेगी रहेगा कि हम लोग सही मायने में जो है हमारे प्रदेश के अन्नदाता हमारे प्रदेश के किसानों की हम लोग सेवा कर सकें। आप जब हमें खेत पर लेकर गए और कहा कि हम बैलगाड़ी में जाएंगे, तो मेरे जहन में आया कि शायद मंत्री जी थोड़ा रोमांच करेंगे और थोड़ा जो है उसकी कमान पकड़ लेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से उस बैलगाड़ी के ऊपर आप सवार हुए और जिस तरह से आपने लगाम थामी और जैसे ही आपने हाँकना शुरू किया, तो शुरुआत में जो मेरा डर था वो धीरे धीरे दूर होता गया और एक समय बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में मैं उसको राइड को एंजॉय भी कर पाया। देखिए, बचपन से हम लोग ये सब चीज़ें बड़ी नज़दीकी से हम लोगों ने देखी है। और चूँकि उस ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे और जो पूरी खेती होती थी वो बैलों पर आधारित होती थी और बैलगाड़ी उस समय जो है बड़ी प्रचलन में हुआ करती थी। तो खेतों में जाना, बैलगाड़ी पे बैठ करके जाना, खेतों में जो कार्य होते थे, चाहे हल चलाने का हो, बखर चलाने का हो, उसको नज़दीकी से देखना, तो ये सब चीज़ें जो है बचपन से हम लोगों ने देखी हैं। और हम लोग जो है इससे हमेशा हम लोग जुड़े रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक रूप से जो है हम लोगों में ये सारी जो चीज़ें हैं इनबिल्ट जो है, ये सब चीज़ें नेचुरली जो है, ये सारी चीज़ें नेचुरली हम लोग के पास आई है। कृषि मंत्री बनने के बाद से ही सचिन यादव जैविक खेती के प्रोत्साहन को लेकर खास ध्यान देते हैं। वो खेती में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों को समावेश करने के लिए लगातार जुटे रहते हैं। ये इल्ली पकड़ के इसको छुंदा करके इसमें वायरस बनाते हैं और उसी का छिड़काव कराते, तो इल्ली पर वो वायरस आएगा तो ऑटोमेटिक भोजन बंद कर देगी वो। अच्छा, तो दूसरी इल्ली को भी वही वायरस लग जाएगा भोजन। जब खेत में जो मजदूर लोग काम करते थे तो उनके लिए घर से रोटी बन के जाती थी, तो वो रोटी देने के लिए जो है हम लोगों को बोला जाता था कि आपको जा करके वहाँ पर रोटी देना है, कभी जब चाय का समय होता है तो चाय दे करके आनी है। तो इस प्रकार से जो है वो हमको हमेशा खेती किसानी की तरफ जो है ले जाने का काम जो है एक सोच जो है उसके लिए विकसित करने का काम वो कर उन्होंने किया है। सचिन यादव और उनके परिवार का रुझान बेहतर शिक्षा की ओर शुरू से रहा है। यही वजह है कि बोरावा जैसे छोटे गाँव में यादव परिवार ने GIT जैसे तकनीकी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और आला दर्जे की फैकल्टी के चलते यहाँ आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। बहुत कम लोगों को शायद इस बात की जानकारी, और मुझे भी यहाँ आने से पहले मालूम नहीं था कि आपके गांव में इतने शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना आपके और आपके परिवार के द्वारा की गई है। और न केवल एक काम चलाओ इंस्टीट्यूट्स आपने वहाँ पर खड़े किए, बल्कि देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहाँ पर दे रखा है। हम चाहे GIT की बात करें, हम फार्मेसी कॉलेज की बात करें, हम BEd कॉलेज की बात करें, अभी हाल में हम देखने गए थे तो टोटली गर्ल्स का कॉलेज भी आप वहाँ पर बना रहे हैं। उसमें सुनने में आ रहा है कि प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक पूरा का पूरा फीमेल स्टाफ वहाँ पर रहेगा। तो ये जो एजुकेशन को लेकर जो आप लोग का इंटरेस्ट है वो कैसे और कब डेवलप हुआ, और इसको इस लेवल तक लेकर जाना है ये सोच कैसे और कब आई? देखिए, ये जितने भी जो हमारी संस्थाएं आज खड़ी हुई हैं, ये संस्थाएं खड़ी करने के पीछे जो सोच थी वो स्वर्गीय पिताजी की सोच थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
वो बताते थे कि उनको यहाँ से 4 किलोमीटर प्राइमरी एजुकेशन ग्रहण करने के लिए उनको यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो है पैदल चल करके जाना पड़ता था, और सबके आशीर्वाद से जो है उनको उस जगह उस मुकाम पे पहुँचने का मौका मिला। तो उन्होंने अपने इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है एक ज़माने में जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ होता था और साधनों के यहाँ पर अभाव होते थे, और वो देखते थे कि जो सक्षम लोग हैं वो तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाते थे, लेकिन जो निर्धन होता था भले ही उस उनके बच्चों में काबिलियत हो, प्रतिभा हो, लेकिन धन के अभाव में जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई जो है आगे नहीं करा पाता था। तो उसी को सोच को ध्यान में रख करके उन्होंने इन संस्थाओं की जो है स्थापना करी, जहाँ पर उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी, एक बीएड फार्मेसी कॉलेज की स्थापना करी, एक बीएड डीएड कॉलेज की स्थापना करी, एक स्कूल की उन्होंने स्थापना करी, और आज आप देखेंगे कि इन संस्थाओं में हमारे यहाँ पर दूर दूर से जो है बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे भी हैं जिनके माता पिता आज भी कोई 100 रुपये की मजदूरी कर रहा है, उनके जैसे बच्चे भी आज उनके बच्चे भी जो है आज हमारे इन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, और जो प्रतिभा उनमें थी आज अपनी प्रतिभा के दम पर जो है आज हमारे इन संस्थाओं के बच्चे नासा जैसी बड़ी संस्थाओं में जो है सेवा देने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में हमारे बच्चे अमेरिका और बाहर विदेशी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को आर्थिक मजबूती जो है देने का काम वो लोग कर रहे हैं। ये हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि उनके बच्चों को इतना सेफ एनवायरनमेंट और कॉलेज हमारे ऐसे क्षेत्र में मिला है, जो कि इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा रिमोट सेंटर कॉलेज है जो हमारे बॉस ने हमें दिया है। हमारे सम्माननीय स्वर्गीय सुभाष जी यादव को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से यही गाँव में रह के हमें एक इतना बड़ा कॉलेज मिला है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जिससे कि हम और आगे बढ़ सके। युवा सचिन यादव मध्य प्रदेश सरकार के उन मंत्रियों में शुमार हैं जो कि अपने मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हर जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। सार्वजनिक जीवन में सचिन यादव का अनुशासन युवाओं को प्रेरणा देता है, वही बातचीत में संतुलित शब्दों का चयन और सरलता उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती है। विशेष रूप से भोपाल से बता रहे हैं हमारे किसान प्लस चैनल के कर्ता भाई आशुतोष जी हमारे बीच में उपस्थित। खुद से ड्राइविंग करते हैं, बड़ा आपको अच्छा लगता है, और खासतौर पर जब आपने गांव में होते हैं तो आपको मैंने देखा है कि आप काफ़ी रोमांचित रहते हैं, और खुद से ड्राइव करते हुए लोगों से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं, शुरू से ही जो है हम लोगों की आदत रही है कि जब खेत में जाना रहता है या फिर जब गांव पर रहते हैं, जब विधानसभा क्षेत्र के दौरे रहते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम मुझे शौक़ भी है खुद गाड़ी चलाने का, तो बाकी जब भोपाल वगैरह में रहते हैं तो ऐसा अवसर नहीं मिल पाता, क्षेत्र में आकर के अपने उस शौक को जो है पूरा करने का काम भी करते हैं, और फिर इस बहाने सबसे अपना शौक भी पूरा हो जाता है और काम भी हो जाता है। एक बात और हमने महसूस करी आपके साथ में कि कभी इरिटेशन महसूस नहीं होता कि भाई सुबह से लेकर देर रात हो गई है और आपको अपने लिए खुद के लिए वक्त नहीं निकल पाता, तो ये पेशेंस लेवल आप कहाँ से लेकर आते हैं? देखिए, मैं मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है इन क्षेत्र के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ, और हमारी कोशिश, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारा कोई भी परिवार का सदस्य जो है अगर वो किसी प्रकार की कोई मुसीबत में हो या किसी प्रकार की समस्या का उसका सामना करना हो या किसी समस्या का निराकरण जो है करना, किसी प्रकार की तकलीफ उसको हो, तो हम लोग हमेशा 24 घंटे उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सचिन यादव अपने पारिवारिक संस्कारों का पूरा पालन करते हैं। स्नान के बाद पूजा पाठ करना उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। मंत्री होने के बावजूद सांझ ढले सचिन यादव अपने गांव में बनाए गए कृष्ण मंदिर में जाना नहीं भूलते। मंदिर की भव्यता को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये बोरावा गांव में मौजूद है। यहां आकर सचिन
सारी दुनियादारी से दूर नजर आते हैं। गांव वालों के साथ भजन गाते सचिन यादव एक आम इंसान की तरह ही प्रभु की भक्ति में लीन नजर आते हैं। निमाड़ी भजन वो देवराम भाई को बुला के या हमको बुला के मैं भी निमाड़ी भजन थोड़े बहुत गा लेता हूँ। तो निमाड़ी के भजन वो मेरे से दो चार चौपाइया मतलब बोलते थे कि यार वो फलाना भजन कौन सा यार वो गा के सुना दे यार। तो उनको बहुत शौक था निमाड़ी भजन का। सचिन यादव के व्यक्तित्व में नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती। अपने संबोधन में भी वो विपक्ष को कोसने के बजाय अपने बेहतर कार्यों की जानकारी देना ज्यादा पसंद करते हैं। 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने करा। सियासत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना आम बात है, लेकिन एक सियासी नेता कैसे कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिल सकता है, इसका जज्बा सचिन यादव में देखने को मिलता है। क्या इस तरह के अनुभव से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई गाना जो आपके जहन में याद आ रहा हो कि जो डिस्क्राइब करता हो आपके अब तक के सफ़र को और कहना है कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता हो, वो गाना अगर आप चंद लाइनें गुनगुना दें। एक गाना जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्थिति है उसके लिए जो अगर कोई एप्ट गाना मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं समझता परिचय मूवी का वो गाना है मुसाफिर हो यारो, जो मुझे काफ़ी पसंद भी है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो जीवन है, राजनेताओं का जो जीवन है, उस राजनेताओं के जीवन को भी कहीं ना कहीं वो गाना जो है छूता है। भैया उन्हीं चंद पंक्तियों को अगर आप गुनगुना दें। मैं कोशिश करता हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आदरणीय सुभाष यादव जी के पदचिन्हों पे जो सचिन यादव जी चल रहे हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपके नन्हे कदमों की आहट किसी की याद दिलाती है, आपके नन्हे कदमों की आहट किसी की याद दिलाती है, वो यही है आप में है, निरंतर चलते रहें, आगे बढ़े, हमें उनसे भी आगे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भैया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपने जीवन के उन अनछुए अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराने के लिए। थैंक यू अशोक जी, मैं आपको और आपके चैनल को भी और आपके तमाम साथियों को भी जो मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से आपने और आपके चैनल ने उन सब पहलुओं को छूने का काम किया है और जो एक असली सचिन यादव है उसको आपने बाहर निकालने का जो काम आपने किया है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे साथियों को भी जो है उन अनछुए पहलुओं को देखने का मौका जो है उनको इसके माध्यम से उनको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।